मसूद की बड़ी खबर, कल विधायक दल की बैठक होने की संभावना, खत्म होने वाला इंतजार, बीजेपी सूत्रों ने संकेत दे दिए हैं, सीएम फेस बहुत जल्द अब सामने होगा, बीजेपी पर्यवेक्षकों के कल जयपुर आने की संभावना है। ये बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए हैं, जल्द इंतजार खत्म होने वाला है, कल विधायक दल की बैठक लगभग तय मानी जा रही है। जो बीजेपी पर्यवेक्षक हैं वो कल जयपुर आ सकते हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार पिछले कई दिनों से सीएम फेस को लेकर मंथन चल रहा था और अब पर्यवेक्षक दल तय किया गया था राजस्थान के लिए, जो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कल पर्यवेक्षक दल राजधानी जयपुर आ सकता है और कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। और सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, आखिरकार जो है वो कल का दिन माना जाए, विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक दल पहुंचेगा और साफ तौर पर जिसका इंतजार पूरे प्रदेश की जनता कर रही है, एक चेहरा तय हो जाएगा जो राजस्थान की कमान अपने हाथ में लेगा। सौरभ जी, बिल्कुल आसिफ बिल्कुल सही कहा, चूंकि बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कल ही जो है वो विधायक दल की बैठक जो है वो होने जा रही है और तमाम जो पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये तीनों ही नेता जो है वो कल जो है वो जयपुर पहुंच जाएंगे और कल ना सिर्फ विधायक दल की बैठक होगी बल्कि पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसके नाम का ऐलान भी जो है वो हो जाएगा। पार्टी ने अंदर खाने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, कल किस जगह पर बैठक जो है वो बुलाई जानी है उसकी जगह जो है वो चिन्हित जो है वो की जा रही है, क्योंकि इस बैठक का इंतजार जो है वो ना सिर्फ तमाम विधायक बल्कि राजस्थान की जनता भी लगातार कर रही थी कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होने वाला है, तो उसके इंतजार की घड़ियां जो है वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है और कल संभवतः किसी भी वक्त यानी दोपहर बाद संभवतः ये बताया जा रहा है कि बैठक जो है वो हो सकती है। और हालांकि अभी विधायकों को कॉल नहीं गया है लेकिन बीजेपी के जो उच्च सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कल ही जो है वो बैठक होने की पूरी संभावना जो है वो बन रही है और कल जो है वो तीनों ही पर्यवेक्षक आएंगे और रायशुमारी जो है वो की जाएगी कि विधायक दल राजस्थान की जो है वो बैठक होने वाली है, जैसा कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं, और कल पूरी उम्मीद है कि विधायक दल की बैठक हो और वो चेहरा जो है वो सामने आ जाए। क्या इस रायशुमारी की जाएगी सौरभ, विधायकों से पूछा जाएगा, उनसे उनके मन का हाल जाना जाएगा, या पर्यवेक्षक चेहरा तय करके ही जयपुर पहुंच रहे हैं? देखिए, विधायकों के मन तो टटोला जाएगा, जरूर टटोला जाएगा, लेकिन राजस्थान का फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है, केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर चुका है कि राजस्थान में सीएम कौन होने जा रहा है, डिप्टी सीएम कौन होने जा रहा है और मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह मिलने वाली है, यानी राजस्थान का फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से तय है। विधायकों से राय जरूर ली जाएगी लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का यह मानना है कि राजस्थान में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जो है वो निर्णय लिया गया है, इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो बैठक होगी उसमें पर्यवेक्षक जो है वो तमाम विधायकों से रायशुमारी जरूर करेंगे लेकिन रायशुमारी के बाद अपना निर्णय यानी आलाकमान का जो निर्णय है वो बता दिया जाएगा, यानी कल शाम तक संभवतः मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होगा ये तय हो जाएगा और संभवतः परसों या फिर अगले दिन यानी 15 दिसंबर से पहले जो है वो बीजेपी को अपना नई सरकार का स्वरूप में लाना जो है वो जरूरी, क्योंकि 16 तारीख से मलमास जो है वो शुरू होने वाला है, शुभ मुहूर्त में सरकार जो है वो स्थापित हो और कार्य शुरू हो जाए, इसलिए आज से बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले पहले जो है वो सरकार अस्तित्व में जो है वो आ जाने वाली है और फॉर्मूला पूरी तरह से तय है। सौरभ, पूरे प्रदेश में ये जिज्ञासा है कि सीएम का चेहरा आखिर होगा कौन, और जैसा कि आपने बताया कि पर्यवेक्षक दल जो है वो ये तय करके ही जयपुर पहुंचेगा, यानी कि चेहरा जो है वो पहले तय हो चुका है सूत्रों से, चूंकि सौरभ आपकी जानकारी हो रही है, तो क्या ये माना जाए सौरभ की
कोई ऐसा चेहरा चौंका सकता है प्रदेश के अंदर, या जिन चेहरों पर कयास लगाए जा रहे हैं उन्हीं में से कोई चेहरा होगा? क्योंकि पूरा प्रदेश इस समय टकटकी लगाए देख रहा है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होने वाला है, लेकिन आलाकमान जो है वो हमेशा से ही, बीजेपी का जो आलाकमान है वो हमेशा से ही चौंकाने वाले निर्णय जो है वो लेता है, ऐसे निर्णय लेता है जो आम लोग जो है वो उससे कनेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि विधायक ये चाहते हैं और लोगों की ये मंशा है, उस लिहाज से जो है वो निर्णय नहीं होते। निर्णय तब होते हैं जब बीजेपी आलाकमान को ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो डिलीवर कर पाएगा, तमाम लोगों को साथ में लेकर चल पाएगा। और छत्तीसगढ़ का उदाहरण जो है वो हम सभी ने देखा है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का उदाहरण जो है वो बीजेपी ने पेश किया है। वहां बिल्कुल ही चौंकाते हुए आदिवासी चेहरे को जो है वो मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया गया है। अब देखना होगा, आज बताया जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे को जो है वो बीजेपी आगे ला सकती है और राजस्थान में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जो है वो बीजेपी मुख्यमंत्री जो है वो बना सकती है। ऐसे में कई नाम जो है वो इस वक्त लगातार चर्चाओं में है, चाहे बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की हो या फिर वसुंधरा राजे की हो या फिर किसी और चेहरे पर जो है वो बीजेपी आलाकमान अपनी मोहर जो है वो लगा सकता है। नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की जनता को भी इस बात का इंतजार है कि प्रदेश का सीएम अब कौन बनने जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।